दोस्तों ये कुछ ही दिनों के बाद अपना केसलू को उतारने वाला है। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों अभी हम आए हैं अपने गोपालगंज से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर हरबसा गांव में। दोस्तों घर के साइड में ही एक सांप को देखा गया है। तो दोस्तों आप वीडियो को साथ बने रहिएगा, सांप का रेस्क्यू करेंगे और आपको दिखाएंगे। इससे पहले बता दें यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं कि सांप का रेस्क्यू करने के लिए हमें कॉल किए। तो चलिए दोस्तों आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, सांप का रेस्क्यू होगा और आपको दिखाया जाएगा। फिल्म मेरी नहीं, वीडियो में जी नहीं तो बिल में जाए तो पकड़ ना। वे जी बाबू बिल लो है जी उधर या अरे खाली हो दबा दे, बड़ा धीरे धीरे जाता हूं मैं। आ गया जी थोड़ा सा आ दो पे तीन पर दिनों में निकले ला अभी लो हमारा गाड़ी धारा घर पर से हटा ले फोन है भाग तो भाग रात के बता रात से तो घूमते बैठे देखे जगह होने मत सर फोन से नौ नजर दइए सा हेलो काटू क्या क्यों क्यों देख लीजिए, बहुत कड़ी मेहनत के बाद इस इंडियन स्पाइकल कोबरा का रेस्क्यू हुआ है। दोस्तों ये गेहुआन सांप है, अपने बिहार में लोग इसे गेहुआ कहते हैं और इसे उत्तर प्रदेश में फिटार के नाम से जाना जाता है और इसका साइंटिफिक नेम नाजा नाजा होता है और इसे बहुत लोग कोबरा कहते हैं, गेहुआन कहते हैं और फिटार के नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों ये न्यूरोटॉक्सिन का वेनमस स्नेक होता है, हालांकि इसके काटने से कुछ होता नहीं है, सिर्फ मौत होती है अगर इलाज नहीं होता है। तो देख लीजिए ये लगभग मेरे उम्र से भी बड़ा है, बहुत काफी ये पुराना सांप है। ये नाग है दोस्तों और लगभग 3 से 4 केजी के वजन में लगभग ये है। दोस्तों अभी गर्मी प्रारंभ हो चुका है और काफी गर्मी पड़ रहा है और गर्मी जैसे ये प्रारंभ हुआ वैसे ही जो रेप्टाइल्स है वो अपने सुराख से बाहर आए हैं और इसका जो मेन फूड होता है वो चूहा होते हैं और चूहे के तलाश में ही हमारे घरों के आसपास ये आते हैं। देख लीजिए, देखिए दोस्तों ये कुछ ही दिनों के बाद अपना केसलू को उतारने वाला है। देखिए दोस्तों ये जब सांप काटेगा तो इसका काटने का लक्षण होता है पेट में दर्द, उल्टी, नींद आना, गला सूखना और जहाँ पर ये काटता है वहाँ पर स्वेलिंग्स यानी कि सूजन हो जाते हैं। और इसके काटने के बाद से किसी आप ओझेगुनी तांत्रिक झाड़ फूक के चक्कर में पड़ते हैं तो आपकी ज़िंदगी झड़ा जाती है। ऐसे में अगर ये सांप काट ले तो आप डायरेक्ट जो जिले का अस्पताल होता है वहाँ पर जाइएगा, क्योंकि अगर जिले के अस्पताल में नहीं जाइएगा तो सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। देख लीजिए दोस्तों,
डबल है डब्बा बड़ा डब्बा तो दोस्तों इसे स्पेक्टिकल कोबरा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो ये फन होते हैं इसी पर एस्पेक्ट होता है, इसीलिए इसे स्पेक्टिकल कोबरा कहते हैं। दोस्तों इसको डब्बे के अंदर हम पैक कर दिए हैं, ये देखकर आप अपने घर पे ट्राई ना करें क्योंकि अगर ट्राई करते हैं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और दुर्घटना घटी दुर्घटना घटने के बाद से मालूम है दोस्तों कि पूरी सब्जी बढ़ती है, तो अपने घर पे आप बिल्कुल ट्राई नहीं कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ही इन बेजुबानों को बचाते हुए आपसे किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।